अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और नए व्लॉग के साथ, नए खिलौनों के साथ और बहुत ही मज़ेदार खिलौनों के साथ, ब्रांडेड खिलौने वो भी बिल्कुल नए इस स्टॉल पे जी लग गए हैं, जो कि है सदर के लंडा बाज़ार में, पार्किंग प्लाजा के बिल्कुल साइड पे। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉल है और कुछ दिनों के लिए अवेलेबल है। आप लोग जैसे ही वीडियो देखें और भाग के जाएँ वहाँ से, जाके अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर लें। और ये कि बच्चों के लिए इतनी मज़ेदार शॉपिंग, मतलब आप लोगों को, आपके बच्चों को पता ही नहीं लगेगा ये सेकंड हैंड है या न्यू है, बिल्कुल न्यू की तरह है। आप अपने भांजे भांजियों को, भतीजे भतीजियों को गिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है। बस आपको बॉक्स की थोड़ी सी टेंशन होगी, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्क्रैच कोई कुछ भी नहीं। यहाँ पर ये खिलौने, बहुत ज़्यादा खिलौने यहाँ पर न्यू थे, कुछ थोड़े से गड़बड़ भी थे, लेकिन आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करना तो अब तक आपको मेरे साथ रह रहा है कि आ ही गया होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल डक, बहुत ही मज़े के खिलौने, बहुत ही मज़े की चीज़ें, और इनकी प्राइसेस उससे भी ज़्यादा मज़े की। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइस थी वो 400 या 500 थी, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं थी। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्वालिटी वाले खिलौने हैं। ये कार्ड्स आपको कुछ दिखा रही हूँ, ये कार्ड से आप लोग डिफरेंट प्ले जो है वो बच्चे कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट छोटे छोटे से साथी भी थे, इनके छोटे छोटे से बटन्स भी थे। ये पूरा बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि बन जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की चीज़ें। वंस अगेन पार्किंग प्लाजा के बिल्कुल बैक साइड पे ये देखें, ये पंप और उसके साथ बलून्स बहुत ही डिफरेंट शेप्स में यहाँ पे अवेलेबल है, और वो सिर्फ और सिर्फ 100 के दे रहा था। और इसका बॉक्स भी अवेलेबल था, और आप लोग इसे पैक करके भी किसी को दे सकते हैं और ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे अवेलेबल हैं कुछ डिफरेंट किस्म के कार्ड्स, डिफरेंट किस्म के डॉलर्स, जो कि आप लोगों के बच्चे डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं। यहाँ पे मिनियंस की भी गेम्स हैं डिफरेंट, और डिफरेंट दूसरे खिलौने भी हैं जिनकी गेम्स अवेलेबल हैं। ये बिल्कुल एक ऑपरेशन मशीन है, और ऑपरेशन मशीन जो है वो बच्चों को बहुत अच्छे से ऑपरेट करनी आती है। बच्चों के लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। ABC वाले यहाँ पे स्केल्स अवेलेबल थे, और ये डिफरेंट किस्म के और भी खिलौने जो बच्चों की स्टडी से रेलेवेंट और स्टडी में हेल्प के लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बिल्कुल पैक्ड चीज़ें थी, बिल्कुल पैक्ड। इनमें से कुछ भी चीज़ें मिसिंग या डिफरेंट किस्म के फॉल्ट वगैरह यहाँ पे नहीं थे। तो अगर क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें अवेलेबल थी, तो आपको एक हफ्ते में तो कम अज़ कम यहाँ पर विज़िट कर ही लेना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें ख़त्म ना हो जाएँ। और 300-400 में क्या मिलता है, और बिल्कुल बॉक्स पैकिंग के साथ ज़बरदस्त VIP किस्म की, जो कि आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। गिफ्ट से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं होती भाई। यहाँ पे ये डिफरेंट बॉक्सेस और भी अवेलेबल हैं, मैं आप सब तो ओपन करके नहीं दिखा सकती। उसके बाद ही ये बेबी ट्रॉलर यहाँ पे मुझे नज़र आया, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शनैलिटी के साथ था, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें थी इसके अंदर, सारी फंक्शनैलिटीज़ प्रॉपर वर्क कर रही थी। लेकिन इसकी प्राइस वो जो है वो 2000 बता रहा था, 1500 तक आई थिंक सो आ ही जाता, लेकिन 2000 था। जिन लोगों को नीड है, जिन लोगों को ज़रूरत है, वो बजाय इसके के 8-8 हज़ार के जाके यहाँ से ब्रांड से ख़रीदें, तो वो यहाँ पे चले जाएँ, यहाँ पे आराम से अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त खिलौने पड़े हुए थे, गाड़ियाँ पड़ी हुई थी बहुत ही ज़बरदस्त VIP किस्म की, बड़ी बड़ी और छोटी छोटी भी। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे नए आने वाले व्लॉग का वेट कीजिएगा, जो कि इसी तरह सस्ते से सस्ता होगा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ सिर्फ 300 या 400 तक थी, इससे ज़्यादा ऊपर खिलौना कोई भी नहीं था।